हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। वो इंसान जिसने लास्ट 5-6 महीने में काफी स्ट्रगल किया है। वो स्ट्रगल को ऐसा नहीं कि उसने वो ब्रेक डाउन हो गया या फिर उसने अपने हार मान ली या फिर उसने गिव अप कर दिया। नो, ठीक है, उसने फेस की वो हर सिचुएशन जो उसके अगेंस्ट। टुडे ही हैज बीन वर्किंग फॉर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। सो टुडे वी हैव मिस्टर मानिश प्रासाद। So thank you, Manish, for coming to our YouTube channel and sharing your story. So हाँ जी, तो क्या था, कैसे आपने फेस किया, क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे आपके लिए और कैसा मैसेज आप अपने व्यूअर्स को देना चाहोगे? Past 5 to 6 months मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा जो कि that was unusual. You know, either it is emotionally, physically, mentally or financially. Like I was broke. इस देश दे विच सब तो इंपोर्टेंट जो थोड़े को 2 एस्पेक्ट्स होने चाहिए, कुछ होए या ना होए। इफ यू हैव दीज 2 क्वालिटीज यू विल बिकम सक्सेसफुल हियर। फर्स्ट इज पेशेंस, सेकंड वन इज मोटिवेशन। क्योंकि एवरीथिंग कम्स विद अ टाइम। सारिया चीज़ां थोड़े को टाइम के हिसाब नाल आउणगीयां और थोड़े को पेशेंस होनी बहुत जरूरी है और मोटिवेशन इसलिए ताकि तुसीं पेशेंस रख सको, राइट। तो मैं हूँ लाइक विद इन 5-6 मंथस मैं कॉप से सीगा तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। इट वॉज अ वेरी बैड एक्सीडेंट। आई हैड ओनली 5% सर्वाइवल चांस एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम स्टिल अलाइव स्पीकिंग विद यू। एंड यू नो गेस व्हाट, एवरीबडी यू नो वाज हुम आई यूज्ड टू ट्रस्ट, हुम आई यू नो आई यूज्ड टू बी क्लोज विद देम, दे ऑल लेफ्ट लाइक यू नो a lot of my friends, they you know I have seen their back, you know, turning back. So it was very hard for me, it was very difficult for me to survive. sorry मैं interrupt कर रहे हैं। क्या हुआ ऐसा कि वो कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ? लाइक आप कहीं से आ रहे थे, खुद ड्राइव कर रहे थे या क्या, मतलब exactly हुआ क्या था उस टाइम? Actually if you are okay with yes I can share with them because they should know like what to do in these situations because you know मैं ऊबर से आ रहा था। ऊबर से मैं एज अ पैसेंजर आ रहा था, बैक सीट पर बैठा हुआ था। तो मैं अपने किसी बहुत ही यू नो क्लोज जो पर्सन सी मेरे है ना, वो वाज वेरी क्लोज टू मी, मैं उसके घर से आ रहा था। एंड 401 जो कि बिजिएस्ट हाईवे है हमारा नॉर्थ अमेरिका का, 401 हाईवे है अपना कनाडा में। तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ। सो आई वॉज बैडली इंजर्ड एंड यू नो कुछ दिनों बाद, ट्रीटमेंट के कुछ दिनों बाद ही मेरे यहाँ से हेड से कुछ मिरर्स मैंने खुद निकाले अपने बैठ के, राइट, शीशे के पार्ट कुछ है तब मैं यू नो आप कटे। तो ये हुआ ऐसा। तो इट वॉज अ वेरी बैड एक्सीडेंट। लेकिन बात ये है कि डोंट हैव टू गिव अप। मेरे पास जब एक्सीडेंट हुआ ना ही इंश्योरेंस थी, जो कि इंश्योरेंस को आपका पिक खत्म हो चुका, ओके देखो कॉलेज खत्म हुआ था और वर्क परमिट आया नहीं था। तो वो गार्ड में वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया क्योंकि आपका कॉलेज खत्म हो गया, वर्क परमिट आपका आया नहीं। बट फॉर्चुनेटली कैनेडियन गवर्नमेंट इज सो हेल्पफुल। उन्होंने ही मेरा सारा लाइक दे हेल्प मी, दे एडिड मी। तो उन्होंने ही सारा खर्चा चुका, मेरा एक्सपेंडिचर सारा जिना $53,000 इट वाज माय यू नो एक्सपेंडिचर इन द हॉस्पिटल। आई हैव बिल्स विद मी। तो यू नो दे ऑल पेड, इट वाज पेड बाय द गवर्नमेंट। दे आर सो हेल्पफुल, थैंक्स टू द कैनेडियन गवर्नमेंट। यस। एंड उसके बाद फिर यू नो हौली हौली शुरुआत हुई कुछ डिफिकल्टीज आने की। लोग छोड़ के चले गए जो मेरे क्लोज थे, फ्रेंड्स ने यू नो टर्न बैक कर लिया। जॉब नहीं थी मेरे पास, फाइनेंशियली मैं थोड़ा सा वीक हो गया, राइट। तो एट दैट मोमेंट आई हैड नथिंग टू लूज बिकॉज आई वाज ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग आई हैड नथिंग टू लूज। बीच में बड़ा नेगेटिव भी हो गया मैं। तो मैंने सोचा कि आई विल नॉट गिव अप बिकॉज इफ आई गिव अप you know because there is a family out there in India and you know I have being an elder son of the family, if I surrender what would they do? Exactly, right. So parents के लिए भी काफी मुश्किल होगी, वो मुश्किल होगा वो टाइम बहुत, like you know they phone पे बात करते हो या video calls करते हो ना, तो they used to cry and you know because being you know I can know their situation, being a mother, being a father, they are so much worried about me because if you had a conversation with the doctor and doctor says that you know this guy has only 5% survival rate, so you can you know well think of how, what could be you know the words in their mind. Okay, तो वो कैसी सिचुएशन? ओके, आपको फिर हॉस्पिटल कितने दिनों के बाद आपको उन्होंने डिस्चार्ज किया, ओके यू आर गुड टू गो, लाइक आई वाज डिस्चार्ज आफ्टर 10 डेज एंड देन आई केम बैक एंड मेरे यहाँ पे दोस्त, लाइक नॉट अ दोस्त ही, मेरे दे आर माय ब्रदर्स, हमारी नोकझोंक होती रहती थोड़ी बहुत, लाइक वी थोड़ा बहुत नोकझोंक होती रहती, बट दीस पीपल आर लाइक माय ब्रदर्स एंड दे हेल्प्ड मी अ लॉट. His name is Mr. Deerish Thapar, Harpreet Singh Chavla, Bhupendra Singh, Mr. Narsingh, and a special thanks to Permeet Kaur and Priya Sharma. Okay, तो क्या मतलब आपका कुछ particularly क्या surgery हुई exactly, क्या operation हुआ? Like मेरा I had my broken bone of femur. Femur is the longest or the strongest bone of the body. So doctor told me, you know, I will take around 1 year to heal properly. तो ये femur surgery आपकी मतलब हुई उस टाइम पे, right? तो घर आए फिर आप, तो कैसे फिर आप कैसे चलते, क्या कैसे आप बेड पे थे या फिर कैसे? Like I was on bed. I was not able to walk properly at that time. But these gentlemen, my brothers, they helped me a lot with their help, you know. I again started working. I really appreciate कि आपने उस टाइम पे गिव अप नहीं किया, क्योंकि मोस्टली लोग क्या है कि नेगेटिविटी आ जाती है, हम मेंटली अच्छे नहीं होते या फाइनेंशियली, जैसे आपने कहा यू आर नॉट एबल टू अर्न इवन अ सिंगल डॉलर एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर जैसे हम इमिग्रेंट आते हैं यहाँ पे, तो जस्ट इमेजिन गाइस, जब आप काम नहीं कुछ भी कर सकते और आपके पास आपकी फैमिली भी साथ में नहीं है, है ना, और जो कुछ फ्रेंड्स आपको छोड़ के भी चले जाते हैं, तो जस्ट इमेजिन गाइस उस टाइम पे हमें कैसा लगता होगा. और फिजिकली आप उस सिचुएशन में पहुंच चुके हो कि फीमर सर्जरी, लाइक दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट वंस, तो कैसा कैसे वो इंसान उस टाइम पे कैसा फील करता होगा, जस्ट इमेजिन. बट उसके बाद आप कैसे उस चीज को ओवरकम करते हो, कैसे वो मोटिवेशन लेके आते हो अपने लिए, इंस्पायर करते हो अपने आप को, पेशेंस कैसे लेके आते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे या 20 दिन में ठीक हो जाओगे. इट टेक्स अराउंड 4 to 5 मंथ्स इजीली, राइट. और उसके बाद गाइस ये भी नहीं होता कि हाँ उसके बाद भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, काफी टाइम लग जाता है आपको मेंटली, क्योंकि वो सिचुएशन आपने खुद फेस की होती है, राइट. लाइक एक्सीडेंट हुआ तो दिमाग में काफी चीजें रहती है. इन्होंने कहा कि कुछ मिरर के पीसेस इन्होंने काफी दिनों के बाद, हफ्तों के बाद खुद निकाले. तो गाइस जस्ट इमेजिन आपके सर पे कुछ ऐसा लगा और आप निकालने की कोशिश करा एंड यू केम टू नो कि हाँ दिस इज अ मिरर, लाइक मिरर पीस, राइट. तो कैसा लगता होगा उस टाइम पे, ठीक है. तो रियली अप्रिशिएट मानेश जिस हिसाब से आपने सिचुएशन को फेस किया, हैंडल किया, है ना. तो उसके बाद ओके आप धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हुए, तो फिर क्या आपने सोचा कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में वो चीज लेके आने की, हाँ मतलब यू आई होप लाइक कि आपको काफी गाइडेंस लोगों से मिली होगी उस टाइम पे, बट स्टिल आई एम श्योर लाइक इट वाज नॉट एन इजी जॉब फॉर यू, राइट. तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कैसे उस चीज को आगे आप लेके गए? बात यह है कि at that stage of life I was already at the end. Exactly. Yeah. There was no ending point. You know, I was already at the end. So except that point, every point was a starting point for me. Makes sense, yeah. Right? So I, you know, because उस time पे क्या था कि one of my colleagues or you may say my friends, they were looking for the knock-by jobs के पीछे पड़े हुए just because for the PR basis कि हमें PR जल्दी मिल जाए. But they forgot this thing कि हम यहाँ पे PR तो लेने आए ही हैं, but अपना career set करने भी आए हैं. Exactly. There are two ways, you know. So I chose the career path. Okay. I didn't choose the PR one. I chose the career path. Okay. And फिर मैं बस उसी में, आपको पता है, पेशेंस और मोटिवेशन के साथ, सिर्फ दो फैक्टर्स के साथ, मेरे पास और कुछ नहीं था. I didn't have anything except these two. बस उसी के साथ उसी ट्रैक में चला. Okay. मैंने कम से कम एक हफ्ते में 100 जॉब्स अप्लाई किए, तो मेरे को इतनी एम्बेरसमेंट हुई कि मेरे को 2 हफ्ते किसी कॉल भी नहीं आई, किसी की मेल भी नहीं आई. बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास कॉल्स और ईमेल्स आने स्टार्ट हुई आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स. तो एक मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा देखूंगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि क्या इंडिया में क्या आपने किया हुआ था और यहाँ पे कौन सा कोर्स था और कौन से फील्ड में आप एग्जैक्टली जॉब आप ढूंढ रहे थे उस टाइम पे? देखो मैंने की है बीटेक कंप्यूटर साइंस में भूपेंद्र सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, which is a fabulous college. Yes sir. और हमारा गाइस एक और चीज़ भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने 2009 से स्टार्ट किया था भूपेंद्र सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज और 2019 to 2013 मैकेनिकल इंजीनियरिंग. और मानेश की स्टार्ट हुई थी 2010 से 2014 राइट, और आपका ब्रांच थी आपकी कंप्यूटर साइंस। तो गाइस वहाँ पे कुछ नहीं पता था हमें एक दूसरे के बारे में, लाइक थोड़ा बहुत मे बी फेस टू फेस थोड़ा बहुत होगा बट ऐसा कुछ नहीं था। पर हम मिले हैं, यहाँ आके मिले हैं। तो यह ऐसा अच्छा लगता है जब किसी को हम 8 साल या 9 साल के बाद कोई आइडिया नहीं था कि एकदम हमें पता चलता है कि हाँ आप भी बहादुर से लाइक आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो इसलिए भी एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है ना। तो यस उसके बाद फिर आपने जॉब सर्च की, 2 हफ्ते तक का कोई रिप्लाई नहीं आया? कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट हुए एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड किसी ने, बिकॉज यू हैव टू टेल ट्रूथ। एग्जैक्टली राइट, बिकॉज तो मैंने कई एम्प्लॉयर्स को बोला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, दे सेड ओह यू वोंट बी फिट फॉर द जॉब जस्ट बिकॉज यू नो वी हैव दिस काइंड ऑफ यू नो ड्यूटीज, so I think we would be a misfit into the job. I said okay, it's fine okay. because thonu ek unna hi milega jinne thodi kismat likhi hoya hai jo mere maap mein daste aur jinne tusi jaise tusi karm kare right bilkul. but you know one of the best companies in the world Thales jo ki aerospace and defense ki company hai, I joined that company wow. which is just like nice. yeah which is like a dream job yes. for every you know for every guy who's studying in Canada or in the world to join. एंड बस वहाँ पे लॉजिस्टिक्स में अब काम चल रहा है मेरा एंड यू नो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव अ वेरी गुड टीम मेंबर्स एंड अ वेरी हम्बलेस्ट लॉजिस्टिक्स मैनेजर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कांग्रेचुलेशंस मानेश, आई मीन वी आर सो हैप्पी फॉर यू कि आपने वो सिचुएशन फेस की। एक बुरा टाइम था, योर सिचुएशन वाज लाइक हेल राइट, सो बट आपने गिव अप नहीं किया, वो मोटिवेशन दिखाई आपने और पेशेंस दिखाया आपने एंड टुडे लाइक यू आर वर्किंग फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। सो यस हम समझ सकते हैं उस चीज को और यस आई मीन रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर दैट। सो यस गाइस आई थिंक इस स्टोरी से हम काफी कुछ सीख सकते हैं कि हाँ सिचुएशंस आती हैं बट ऐसा नहीं है कि हमें फेस नहीं करना चाहिए, हमें गिव अप कर देना चाहिए या फिर सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सिचुएशंस आती हैं गाइस, बुरा टाइम आता है बट हम उनको ओवरकम भी कर सकते हैं। पेशेंस होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और एक आगे बढ़ने का एक हमें एक जील होनी चाहिए राइट, कि हाँ वी नीड टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, वी नीड टू अचीव, वी नीड टू मेक आवर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे इसी जाते जाते एक अच्छा सा कोई मैसेज या कुछ, क्योंकि काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहाँ पे कंप्लीट किया राइट, तो कोई मैसेज आप उनको देना चाहोगे? काफी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का, या फिर यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी अभी स्टडी कंप्लीट की है, दे आर वेटिंग फॉर देयर वर्क परमिट, या फिर कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो वर्क परमिट पे हैं, तो कैसा मैसेज आप देना चाहोगे? मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि लाइक यू नो एवरी पर्सन हैज डिफरेंट सिचुएशन इन हिज और हर लाइफ। तो यहाँ पे हमारे माँ बाप नहीं है exactly. यहाँ पे हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है, तो हम ही लोगों ने आपस में अपने आप को लिफ्ट करना है exactly. एक दूसरे yes. का हाथ पकड़कर चलना है राइट तो अगर आपको मौका मिले किसी को आगे बढ़ाने का तो आपको यू शुड डू दैट थिंग। आपको रेफरेंस डालनी चाहिए उन लोगों की, बिकॉज अगर आप किसी की मदद करोगे राइट तो आई थिंक सो मेरी फिलोसफी है कि आपको उसे डबल मिलेगा, परमात्मा आपको उससे डबल देगा, उसे 5 गुना देगा, डबल देगा है ना। तो आप अपने कर्म अच्छे कीजिए राइट। और दूसरी बात यह है कि अगर जैसे देखो मेरे साथ जो हुआ कि मेरे से एक्सीडेंट हुआ, कई लोग छोड़ के चले गए, यू नो वन ऑफ माई क्लोजेस्ट एंड यू नो दे टर्न यू नो बैक ऑन मी एंड बट आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बी अ गुड पर्सन इन लाइफ बिकॉज यू नेवर नो व्हेन इट एंड्स। हाथ पकड़कर सपोर्ट कर दिए और सभी को एक साथ लेकर चलो, एक साथ आप बढ़ जाओगे आगे, आप अप्लाई कर रहे हो आगे जा रहे हो, बट कोई भी बड़ा आदमी किसी के हेल्प के बिना नहीं बन सकता exactly. और आप सोसाइटी को कितना गिव बैक कर रहे हो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गाइस बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी हेल्प चाहिए। हेल्प तो मैं आई डोंट नो आई शुड से दैट वर्ड और नॉट, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी को गाइडेंस चाहिए होती है और गाइज हमें वो चीज़ करनी भी चाहिए। अगर हमें पता है कि हाँ वी कैन डू समथिंग फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी और लोगों के लिए हम वो चीज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली वी शुड कम फॉरवर्ड एंड डेफिनेटली प्रोवाइड अ हेल्प फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. सो यस, मनीष भी हमेशा अवेलेबल है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, राइट? सो आई नो दिस पर्सन पर्सनली एज वेल, सो ही इज वेरी गुड बाय हार्ट. आप कोई भी चीज़ मांगोगे गाइज कि हाँ मुझे मनीष इस चीज़ की ज़रूरत है, तो he will never ever say no to you, trust me. जान भी मांग कर निकलो. इतना नहीं मांगना आपने, ठीक है? बड़ी मुश्किल से बचा ये इंसान, हमने देखा है, वो नहीं करना आपने. बट हाँ, लाइक आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो he will always be there. बाकी guys, yes, thank you so much for watching this video. एंड आपने काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स मनीष यूट्यूब चैनल के लिए, और मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ. नहीं बिल्कुल, आप मैंने आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं, यू ट्राई योर बेस्ट to guide the students which are there in the India and which are planning to come to Canada. So it is very nice. तो ना मैं थोड़े ना link करके काफी अच्छा लगे. Right, though we know each other, but you know being अलग platform पे आप connect हो रहे हैं, it is very nice. Thank you so much. Guys, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्प चाहिए होती है. गाइज अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, दे कैन कॉन्टेक्ट मी. अगर मेरे से वो काम नहीं होगा, अगर कुछ कम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं, तो आई विल रेफर दैट जॉब टू हिम. तो गाइज वही हमने सब मिलके इट्स अ टीम वर्क, राइट? अगर मेरे से वो चीज़ नहीं होएगी तो मैं किसी और को बोल सकता हूँ, किसी और को बोल सकता हूँ, ना कि हर कोई इंसान अपने अपने फील्ड में काम कर रहा है, अपने अपने तरीके से उन चीज़ों को हैंडल कर सकता है. हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है गाइज, ठीक है? तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, और यस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि मैं और भी वीडियोज़ बना सकूँ, और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर सकूं, because life is all about helping each other. Exactly. And thank you so much Manish once again for coming to our YouTube channel and for sharing your story. And see you guys the next time with one different concept. Till then, stay safe, stay calm, and enjoy your weekend once again. Okay, take care guys. Bye bye. Bye. Take care. Bye bye. So thank you guys for watching this video and don't forget to like, comment and share and please guys subscribe करो channel को. मैंने कहा था कि हाँ फेब का हमारा टारगेट है 600 सब्सक्राइबर्स और अभी भी 20 शॉर्ट चल रहे हैं अराउंड, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके इन वीडियोस के थ्रू. And yes, definitely next time I'll come up with different concept, different video, and that will be very informative as well. Okay, thank you so much guys, enjoy your weekend, stay calm, stay composed, and yes, we're working together.